आज गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था वो ये था कि उनकी जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, उनको सुनने वाला कोई हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है यूटी में तब्दील हो चुका है, और इनकी मांग थी, गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, उनकी मांग थी कि उनका एक नुमाइंदा जो है एडवाइज़र के रूप में जो यूटी का हिस्सा बने, जो उनकी परेशानियों को जो है सुन सके। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गनी कोहली साहब, जो कि बीजेपी के लीडर हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्हीं का नाम जो है उनके द्वारा लिया गया था। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो है आपका नाम जो है उन्होंने चुना कि आपको जो है एज अ एडवाइज़र लिया जाए, और हमारी जो डिमांड्स हैं, मांगे हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर जो है वो पूरे नहीं हो पाए हैं और उनकी हालत जो है जस की तस है? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि लास्ट टाइम अगर ज़्यादा बात करें हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की, तो हमारी यूटी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2019 को उन्होंने हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके इम्प्लीमेंट ना होने से जो खासकर एक साल में, डेढ़ साल में जो गुज्जर बकरवाल लोगों को फॉरेस्ट की तरफ से परेशानी हुई है, मैं क्या बताऊँ, इतना इससे पहले कभी ज़्यादती नहीं हुई है। जहाँ जहाँ वो थे उनकी ज़मीनों से निकाल के उनको वहाँ पे एक तो फेंसिंग की गई, वो कईयों को तो दरबदर किया, यानी ये बदकिस्मत की बात है। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी इनके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रखी हैं, जैसे इनके लिए डीलिमिटेशन में, स्पेशल रिज़र्व कैटेगरी में, असम्बली की सीट मिलेंगी, बड़ी अचीवमेंट्स है। उसके अलावा और भी काफ़ी और हैं एक्ट। जहाँ तक जो आपने सवाल पूछा कि मेरा नाम लिया है, अपनों मुँह में मिठू तो कोई बन नहीं सकता है, और ना कोई ये कह सकता है कि मुझे बनाओ। अलबत्ता मुझे ये मौका मिला है एज मिनिस्टर भी, और अब जबकि ये लोग जो थे हमारी लेबर जम्मू कश्मीर की बाहर थी, तो मुझे खुशी हुई कि उनकी मैं काफ़ी हेल्प कर पाया। उसके अलावा एज ए बीजेपी मैंने कश्मीर में 2-3 कन्वेंशंस की हैं, अपने इंस्ट्रक्शन जो थी पार्टी की उस पर, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था एज पार्टी वर्कर, मुझे काम किया है, जम्मू में भी काम किया है, कश्मीर में भी काम किया है। आफ्टर अप्लिकेशन ऑफ 370 मैंने यहाँ एक काफ़ी गैदरिंग की थी, जिसमें हमारे देन राम माधव जी जनरल सेक्रेटरी थे वो भी शामिल हुए थे, बाकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्रेटरी हैं जनाब अशरी अशोक कुमार, अशोक कोल जी, और हमारे एमपी जी, काफ़ी लोग मौजूद थे उसमें जी। तो चलो, इस तरह की मीटिंगें आज दिनों तो मैंने की हैं और करने चाहिए भी, क्योंकि मैं पार्टी मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जो है वो मजबूत बने। कोल साहब, जिस तरह से जो दावे किए गए थे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को डेवलप करने के, वो कहीं ना कहीं जो है खोखले दावे साबित हुए, और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर को जब यूटी में तब्दील किया गया, और ये जो काफ़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की, तो इनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, और इनकी मांग है कि एक एडवाइज़र के रूप में जो है आपका नाम जो इन्होंने आगे रखा है, तो आपको भी ये कमी खलती है कि एक नुमाइंदा हमारा भी इस कम्युनिटी से होना चाहिए था? नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे बनाओ, और ये उनका अपना ख्याल है या अपनी उनकी सोच है या उन्होंने समझ के कुछ बताया होगा। अलबत्ता ये है कि इनकी प्रॉब्लम समझने के लिए एट द हेल्म फिर कोई आदमी नहीं है जी। मुझे पता है, मैं जानता हूँ ब्यूरोक्रेट हमारे बाहर के हैं, इनको पता भी नहीं है ना, मुश्किल बन जाता है। एडवाइज़र साहिबान भी जो कुछ ज़्यादा हैं वो बाहर के हैं, तो अगर कोई आदमी हो जिसकी ज़रूरत भी है, जो मैं समझता हूँ इनकी जो आए दिन प्रॉब्लम होती हैं उनको समझने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट से फैसले कराने के लिए या गवर्नमेंट को बताने के लिए कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी लेवल पर ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और जिसकी वाकई नहायत ही अहम ज़रूरत है। चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ अब्दुल गनी कोहली साहब, जो कि पूर्व मंत्री व बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और जिनका जिस तरह से आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिनमें जिसमें जो है अब्दुल गनी कोहली साहब को जो है एडवाइज़र के रूप में जो देखना पसंद करेंगे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, और उनकी मांगों को लेके जो है अनदेखा किया जा रहा है। इनकी मांग है कि एक एडवाइज़र जो है इनकी कम्युनिटी में से हो और जो उनकी मांगों को जो है सुने और समझे कि उनकी मांगें हैं क्या। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 7 इंडिया के साथ। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।